हाय, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अविनाश। आज आप लोग को ज्योग्राफी क्लास में आज हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग नोटबुक पढ़ें, किताब पढ़ते हैं, तो कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको नोट्स कैसे बनाएंगे। नोट्स तो जब नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में आपको आसानी हो, इजी हो। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस कैसे बनाएंगे, सिनेप्सिस, ठीक है, सिनेप्सिस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सिनेप्सिस कैसे बनाएंगे, ठीक है। जब कोई भी नोटबुक पढ़ते समय, ठीक है, और ए बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम के रिवीजन के लिए बेहद ज़रूरी होता है सिनॉप्सिस बनाना, ठीक है। सिनॉप्सिस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि सिनॉप्सिस क्यों बनाएंगे। हम लोग देखेंगे सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे और किस लिए बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। ये चट्टान है, चलिए हम लोग ज्योग्राफी लेकर चलते हैं, कोई चट्टान है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चट्टान, ठीक है। तो जब चट्टान पढ़ेंगे तो इसको सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे, चट्टान पढ़ेंगे तो हम लोग बनाएंगे कैसे, पहले चट्टान क्या है, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा उसका प्रकार, ठीक है, और उसके प्रकार में देखेंगे कौन कौन से आते हैं, ठीक है, जैसे आता है अग्नेय, औषादी और कायंत्रित, इसके प्रकार देख लें, ठीक है, प्रकार देखेंगे तब इसके साथ क्या देखेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम लोग क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की बात करें इसका हम, ठीक है, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा इसका, एग्जाम्पल लेंगे ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि चट्टान क्या है, प्रकार देखेंगे, प्रकार में तीन टाइप हो गए, अग्नेय, अवसादी, कायंत्रित। फिर देखेंगे अग्नेय के कौन कौन से एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वैसे अवसादी के देखेंगे एग्जाम्पल, कायंत्रित देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। इसको फिर आगे आते हैं, देखते हैं इसका महत्व क्या होता है, इसका महत्व तो क्या है, ठीक है। क्या है जो चट्टाने हैं, अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, कायंत्रित, इनका क्या होता है महत्व, तो अलग अलग होता है, ठीक है। तो महत्व देखेंगे, इनका देखेंगे वितरण, कि जो चट्टान है वितरण कहाँ कहाँ पे कैसा है, ठीक है। अब इसका वितरण के साथ में फिर इसको देखेंगे इसका प्रभाव, ठीक है, महत्व, वितरण, प्रभाव। इस तरह से हम लोग सिनॉप्सिस बनाएंगे। अगर आप सिनॉप्सिस बनाते जाएंगे ऐसे डायग्राम के थ्रू, देखिए हम लोग सिनॉप्सिस बना देख लिए, और इसके बाद देखेंगे किसी शब्दों को तोड़ना, शब्दों को तोड़ना, ठीक है। अब जब भी बुक पढ़ें, नोट्स पढ़ें, तो अब शब्दों को तोड़ना कोशिश करें, ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत इजीली हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल फॉर, जैसे हम ले रहे हैं ज्वालामुखी, एक वर्ड है ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी है, ठीक है। देखिए इसमें जो दो वर्ड है, एक क्या है ज्वाला, दूसरा क्या है मुखी, कौन सा है ज्वाला,
दूसरा है मुखी। अगर सामान्य बात करें तो सामान्य बात में होता है ज्वालामुखी का क्या होता है, अग्नि। और इसके सामान्य बात करें तो एक बार का मुख होता है, ठीक है, ज्वाला मतलब अग्नि और मुख, ठीक है, ए अग्नि ए मुख। तो क्या बोल रहा है, किसका मुख, अग्नि का मुख, अग्नि का मुख किस, कहाँ पे, पृथ्वी पे, ठीक है। किसी भी टॉपिक को लिंक करना, ठीक है, कैसे लिंक करेंगे, सपोज अगर मैं पढ़ रहे हैं पर्वत, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पर्वत, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लोग पर्वत क्या है, एक पर्वत है तो पर्वत के टाइप है, ठीक है, पर्वत के टाइप हो गए, जैसे होता है वलित पर्वत, क्या होता है, रोधक पर्वत, वलित पर्वत, अवरोधक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। अब ये तीन पर्वत हैं, ठीक है, अब तीनों का देखेंगे इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची पर्वत पर निर्भर करता है जलवायु वितरण, जलवायु वितरण जो निर्भर करता है पर्वत पर निर्भर करता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ का तापमान और ये वर्षा, तापमान और वर्षा ये डिपेंड करेगा कि वहाँ का वनस्पति कैसा होगा, ठीक है, और जलवायु वितरण वर्षा पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जलवायु जैसा होगा वहाँ का वर्षा वैसा होगा और वहाँ का तापमान वैसा होगा, ठीक है, तापमान और उसका वर्षा वैसा होगा, और तापमान और वर्षा उसका वनस्पति पे डिपेंड करता है, तापमान और वर्षा है उसके अनुसार वहाँ का वनस्पति वैसा, जैसा तापमान होगा वैसा वर्षा होगा, वैसा वनस्पति वहाँ का होगा। और वनस्पति के हम फिर देखेंगे प्रकार देखेंगे सदा हरित वन, पर्णपाती वन, शंकुधारी वन और घास के मैदान। वनस्पति कैसा है उसके अनुसार होगा हमारा जैव विविधता कैसी वहाँ की है, और वनस्पति जैसी होगी वहाँ का मानव लोग उसका उपयोग वैसे करेंगे, मानव द्वारा निर्वनीकरण मतलब कटाई, जब एक कटाई होगा तो जैव विविधता ह्रास होगी, करना होगा कैसे करेंगे, राष्ट्रीय पार्क घोषित करके, बायोस्फीयर बायोस्फीयर और बोटानिकल गार्डन। दूसरा पक्ष देखते हैं, ठीक है, पर्वत जो होता है नदियों का स्रोत होता है, पर्वत जो होता है नदियों का स्रोत होता है, जैसे हिमालय जो है, हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा जो निकली है कहाँ से निकली है, हिमालय से, ठीक है, जो हिमालय से कहाँ निकली है, गंगा निकली है। अब इसका अपवाह तंत्र कैसा होगा, अपवाह तंत्र कैसा होगा
नदी किस पर डिपेंड करेगा? पर्वत पे। सहायक नदी इसको देखेंगे, सहायक नदी कौन कौन सी है? नदी के द्वारा डेल्टा या एस्चुरी बनाती है, इस क्षेत्र का वनस्पति कैसा होगा? कृषि कैसा होगा, समस्या क्या होगा, उसका समाधान क्या होगा?